दोस्तों बहुत से बंदे मुझे बोलते हैं कि हमारे टीवी का मेन इंटरफेस नहीं आता है, हमने AV1 या AV2 पे सेलेक्ट कर दिया था, अभी नीला नीला स्क्रीन आता है या काला स्क्रीन आता है, ऐसा मेन मेन्यू खुल के नहीं आता है। तो आपका रिमोट भी टूट गया होगा, तो आपको ये वाला रिमोट लेने की दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी, मात्र आपको 600 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में जाके सर्च कर लेना वायरलेस रिमोट, तो आपको ये 600 रुपये का ऑनलाइन आप मार्केट से या ऑनलाइन आप बड़ी ही आसानी से परचेस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ इसमें आपको USB एक चिप देखने को मिलेगी जो पीछे से निकलेगी, और उस चिप को आपको अपनी USB में दोस्तों पीछे की LED में यहाँ पे लगा देना है, जैसे कि मैंने ये ब्लैक कलर की यहाँ पे लगा भी रखी होगी। ठीक है, आपको दिख भी पा रही होगी, आप पीछे लगा देंगे ना तो आपका दोस्तों ये रिमोट वर्क करने लग जाएगा बड़ी ही आसानी से। ठीक है, अभी आपको मेन मेन्यू कैसे खोलना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई DISH TV या DISH TV का यूज़ किया होगा तो आपके AV1 या AV2 पे आपने सेलेक्ट कर दिया होगा, तो आपका मेन मेन्यू यहाँ पे अभी नहीं निकलने वाला है अगर आपका रिमोट अच्छे से काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको मेन मेन्यू का बटन डायरेक्ट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, प्रेस करके रखेंगे, आपका ये वाला मेन मेन्यू निकल के आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, आपको मेन मेन्यू में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको शायद वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना, कोई और टॉपिक आपके मन में है तो मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा।